वाटरमेलन का जूस तो आपने बहुत बार पी होगी और वाटरमेलन खाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाटरमेलन की मिठाई। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सॉफ्ट, और जब आप इस वाटरमेलन की मिठाई को खाइएगा ना, तो खाते ही मुँह में घुल जाएंगे। इतनी टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। वाटरमेलन की पुडिंग या फिर मिठाई बनाने के लिए मैंने वाटरमेलन को इस तरह कट कर लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम सारे कटे हुए तरबूज को डाल देंगे। मैंने इसमें बीज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर एक दो बीज चले गए होंगे तो बाद में मैं इसे छान कर हटा लूँगी। तो ग्राइंडिंग जार का ढक्कन बंद कर इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक छलनी से इस तरह हम छान लेंगे ताकि जो इसके बड़े टुकड़े हैं या फिर बीज रह गए हैं वो सारे निकल जाए और हट जाए, और मिठाई हमारी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बने। तो ये देखिए, इस तरह एक स्पून की सहायता से स्ट्रेनर में इस तरह हमें छान के अलग कर लेना है। और ये जो इसके मोटे मोटे पार्ट है, और देख सकते हैं इसमें दाने भी दिख रहे हैं, तो इसे हम सारे डिस्कार्ड कर देंगे और इस जूस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम एक पैन ले लेते हैं। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले पैन ले लेंगे। इसमें हम वाटरमेलन जूस को डाल देंगे, फिर इसमें हम शुगर डाल देंगे। तो मैंने एक कप वाटरमेलन का जूस लिया है, तो आधे कप से कम शुगर ले लेंगे, एक तिहाई कप ले लेंगे। पहले हम इन सबको मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर डालने से इसका कलर थोड़ा रेड रेड आता है, अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये देखिए, मिक्स कर दिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो जब तक वाटरमेलन उबल रही है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर का बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में आधा कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी बैटर बना लिया मैंने। फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि इसमें एक उबाल आ चुकी थी, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का बैटर डालेंगे। तो फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें बैटर को डालें मिक्स करके। अगर ऑन रहेगा और बैटर को डालिएगा तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए, अच्छे से बैटर को मिक्स कर दिया मैंने। अब हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स करेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से कॉर्नफ्लोर के बैटर को मैंने तरबूज के जूस में मिक्स किया। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, छोड़े नहीं। अगर छोड़ दीजिएगा तो लम्स पड़ जाएंगे। और ये देखिए, थिकनेस आने तक इसे हमें पकाना है। तो इस स्पैचुला को चलाते रहें और इस तरह गाढ़ा होने तक, जेली होती है ना, बस उसी तरह बनने तक हमें इसे पकाना है। और ये देखिए, गाढ़ी हो चुकी है, जेली की जैसा दिख रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये धीरे धीरे और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो उससे बैटर गाढ़ी हो जाती है। तो ये हमारा बैटर ठंडा हो चुका है, तब हम इसे एक ग्लास में डाल देंगे। तो मैं इस तरह प्लास्टिक का ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो जो चाय पीने वाली छोटी छोटी कप होती है ना, उसमें भी बना सकते हैं, या फिर स्टील की ग्लास में जो आपको पसंद है उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक ग्लास मैंने इस तरह फिल कर लिया है, हल्का सा टैप कर देते हैं और सेम प्रोसेस से दूसरे के ग्लास में भी सारे बैटर को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो सारे बैटर को इसमें अच्छे से डाल देते हैं और इनको हम एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। एक घंटे हो गए हैं, एक घंटे के होने के बाद फ्रिज से निकाल लिया है मैंने। अब इसे हम अनमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये जम चुकी है। तो एक प्लेट में इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम पलट देंगे और हल्का सा टैप करेंगे और बहुत ही आसानी से ये जेली बाहर निकल जाती है। और ये देखिए, कितनी अच्छी से जम चुकी है और कितनी अच्छी से बाहर भी निकल चुकी है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, कितनी अच्छी जेली की जैसा दिख रही है। तब हम इसे कट कर लेंगे। इसे हम जिस तरह मिठाई होती है ना गोल गोल, तो उस तरह हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत आसानी से कट हो जाती है, बहुत ही स्मूथ बनी है। ये देखिए, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतनी मस्त और इतनी मज़ेदार सी ये मिठाई बनके तैयार होती है। और बनाना तो बहुत ही आसान है, बस तीन चीज़ों में ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो मैं सारे इस तरह पीसेस में कट कर लेती हूँ।
तो ये देखिए सारी मिठाई को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसमें कोटिंग देंगे। तो ये मैंने नारियल का बुराता लिया है, आप नारियल को ग्रेट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मिठाई को लेंगे और इसे हम अच्छे से नारियल के बुरादे में कोट कर देंगे। इसे क्या होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में टेस्ट को और बढ़ा देता है। तो ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर एक कोटिंग सी कर देंगे और देख सकते हैं आप इस तरह कोट अच्छे से हो चुकी है। तो सारे मिठाई को मैं इसी तरह से कोट करके तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से सारे मिठाई को नारियल के बुरादे में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही मजेदार वाटरमेलन पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे गार्निश कर लेते हैं। आप इसमें मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसे पुदीने के पत्ते के साथ सिर्फ गार्निश कर रही हूँ। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सी वाटरमेलन की मिठाई या पुडिंग बनके तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को एक बार इस सीज़न ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी मार्केट में खूब सस्ते और काफ़ी अच्छे ताज़े ताज़े तरबूज मिल रहे हैं और अंदर से जब इसे खाइएगा ना तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।